मूर्ख बना गया पंडित, मूर्ख बना गया। योजनाबद्ध ढंग से उल्लू बनाया उसने हमारा। चंद्रमणि, आज नहीं 9 दिन बाद वहां पूजा के दिन सार्वजनिक होगा। और वो अब ये भी जान गया है कि ये चंद्रमणि चुरा कर हम उसे फंसाने का षड्यंत्र करने वाले हैं। सावधान हो गया है वो, और सावधान व्यक्ति के साथ छल करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थ क्या है इस बात का? अर्थ ये है कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए अपनी योजना को भूल जाना ही श्रेयस्कर होगा। अब हम चंद्रमणि चुराने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, जो हो रहा है होने दो, होने दो। परंतु इतनी कामना तो अवश्य करेंगे, हमारे किए से ना सही, किसी और के किए से ही सही। परंतु इस चंद्रमणि के साथ कुछ तो हो, ताकि वो धूर्त पंडित महाराज के क्रोध का भाजन बने। अब रही बात हमारी, अब हम जब भी ले लें उस पंडित के किए सभी प्रपंचों का हिसाब एक साथ एक ही बार लेंगे, अवश्य लेंगे। सुनो, हमें चंद्रमणि देखना। अवश्य देखो, देखना भी चाहिए। 9 दिनों के पश्चात महोत्सव वाले दिन जब सब देखेंगे, तुम भी देख लेना। क्या? मुझे उन सबसे पहले देखना है। असंभव हो ही नहीं सकता। शारदा वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रत्न है, उसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं। और वैसे भी चंद्रमणि तो अभी ब्रह्म कमल में बंद है, वो तो तभी देखा जा सकता है जब ब्रह्म कमल या तो स्वयं खिले या इस गायन प्रतियोगिता से कोई अपनी सुर शक्ति से उसे खिला दे। तब तक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा प्रिय, प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। समझो 10 दिन क्यों गुजर गए। तुलुआ वंश की धरोहर, हजारों वर्षों में एक बार अवतरित होने वाला चमत्कारी दुर्लभ पुष्प विजयनगर का गौरव, समस्त देवताओं के संपूर्ण आशीर्वाद से निर्लिप्त यह पुष्प दरबार में शोभायमान होने जा रहा है। भगवान श्री गणेश जी की जय। हम कृष्णदेव राय आज ये चंद्रमणि सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। महाराज, आरती का समय हो गया है, कृपया आरती शुरू कीजिए। परम शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं, परम शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आप परेशान लग रहे हैं। हूँ तो सही मंत्रीवर, चंद्रमणि की सुरक्षा का सवाल है। पर अब सब ठीक है पंडित रामकृष्ण, पिछले 10 दिन की कर्मठता और सतर्कता से आपने अपना दायित्व पूरा किया है। चंद्रमणि सुरक्षित है और दरबार में लाया गया है, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। असल चिंता तो अब आरम्भ हुई है मंत्रीवर, अब तक चंद्रमणि सार्वजनिक नहीं हुआ था, सुरक्षा के घेरे में था, इसीलिए किसी के लिए भी उसे चुराना असंभव था। परंतु अब जब चंद्रमणि सार्वजनिक हो चुका है, हम सबके सामने हमारे बीच है, अब तो अधिक सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता है। आपका सोचना सही है पंडित रामकृष्ण,
परंतु ये भी तो सोचिए कि यहाँ पर कितना कड़ा पहरा है। हर तरफ हमारे सशस्त्र सिपाही तैनात हैं। बाहर हमारी सेना किसी भी आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। भला ऐसे में कोई भी चंद्रमणि को छूने की मूर्खता क्यों करेगा? जो भी चोर चंद्रमणि चुराएगा वो कोई साधारण चोर नहीं होगा मंत्रीवर। वो जो कोई भी तरीका अपनाएगा चोरी करने का, वो तरीका अवश्य ही कोई विलक्षण तरीका होगा, आपके मेरे हम सबकी कल्पना से परे। ये भी तो हो सकता है पंडित रामकृष्णा कि ये आपके मन का वहम हो। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई चोर हो ही ना। नहीं मंत्रीवर, कुछ तो अवश्य होगा। यहाँ कोई तो है जिससे चंद्रमणि को खतरा है। और ऐसा कौन अकेला चंद्रमणि को चोरी करने की हिम्मत करेगा? हो सकता है उसका कोई साथी हो जो उसकी ये सब करने में मदद करे। कुछ भी हो सकता है मंत्रीवर, मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि यहाँ शीघ्र ही कोई घटना घटने वाली है। मैं किसी अनिष्ट की गंध अच्छी तरह से अनुभव कर रहा हूँ। परंतु कौन पंडित रामकृष्ण, कौन हो सकता है? नहीं जानता मंत्रीवर, परंतु वो जो कोई भी है यही है, हम सबके बीच है, इसी समारोह में है, हमारे आसपास है। भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी की जय। महाराज, सारे अतिथिगण पधार चुके हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो आज का समारोह प्रारंभ किया जाए। अनुमति है मंत्रीवर, कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। महाराज, हम महामंत्री तिम्मरसु विजयनगर राज्य और महाराज श्री कृष्णदेव राय की ओर से आप सभी अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये समारोह भगवान श्री गणेश महाराज के आगमन में रखा गया है। इस उपलक्ष में आज इस राज दरबार में महागायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस संसार का सबसे अनमोल रत्न चंद्रमणि यहाँ ब्रह्म कमल में रखा गया है। ये इस प्रतियोगिता का हिस्सा भी है और सबसे बड़ा आकर्षण भी। जो भी गायक या गायिका अपने सुरों की शक्ति से इस ब्रह्म कमल को खिला देंगे वही होगा निश्चित रूप से आज का विजेता। जीतने वाले को उपहार स्वरूप सम्मानित करने के बाद महाराज श्री कृष्णदेव राय स्वयं इस अनमोल रत्न चंद्रमणि को गणेश जी महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। तो आरंभ करेंगे आज की ये प्रतियोगिता, और इसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री मथुरा दास जी को। आज की ये प्रतियोगिता इन्हीं के मधुर स्वरों से आरंभ की जाती है। अद्भुत, अति सुंदर, निसंदेह अविस्मरणीय, बहुत ही सुंदर गाया आपने मथुरा दास जी। ब्रह्म कमल ना भी खिला किंतु आपके मधुर सुरों से हमारे दिल के पुष्प अवश्य खिल गए। हमें गर्व है कि आप यहां पर इस प्रतियोगिता में उपस्थित हैं। आने के लिए धन्यवाद। महाराज, हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं सुरों के महान ज्ञाता श्री योगेंद्र राव जी।
प्रस्तुत है हमारी विदेशी महिला अतिथि क्लारा। क्या ये वही है जिन्हें यहाँ खास निमंत्रित किया गया? 100% यही है मंत्री भाई। थोड़े विचित्र लग रहे होंगे आपके इनके सुर, किंतु इनके यहाँ संगीत की यही संस्कृति है, ऐसे ही गाते हैं ये लोग। अच्छा, महाराज क्या गायन, क्या सुर, क्या अलंकार, क्या शब्द, क्या अभिव्यक्ति, साक्षात सरस्वती का प्रतिरूप। महाराज सुर नहीं, मानो मुख से मोती झड़ रहे थे, मानो कहीं दूर किसी शीतल झरने की गिरने की शुद्ध प्राकृतिक ध्वनि। इस प्रतियोगिता का और कोई विजेता तो हो ही नहीं सकता सिवाय संगीत की इस देवी के। इन्हें ही घोषित कीजिए इस प्रतियोगिता का विजेता। यही है इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार की वास्तविक अधिकारी। निसंदेह आचार्य, अति उत्तम प्रदर्शन, परंतु क्षमा कीजिए आचार्य, नियम पूरे नहीं हुए। ब्रह्म कमल खिला नहीं है। ये तो अन्याय है, कला का यहां कोई मूल ही नहीं। कुछ कहा आपने आचार्य? नहीं, हम क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं कहा। अब जो भी कहेंगे महाराज कहेंगे, महाराज को ही कहना है। क्यों महाराज, कैसा लगा आपको इनका गायन? हमें अद्भुत। हमारे पास इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। अद्भुत गाया, सत्य कहे तो इन्होंने जो कुछ भी गाया है इनमें से एक भी शब्द हमारी समझ में तो नहीं आया। किंतु गाया अति उत्तम है, मंत्र मुग्ध कर दिया है सभी को इन्होंने। अब हमारे अगले प्रतियोगी का नाम है सोमनाथ जी। अब सोमनाथ जी के बारे में क्या कहें,
हमारे तो शब्द कम पड़ जाते हैं कहते कहते। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपकी त्रुटि नहीं है मंत्री महोदय, हम जैसे निर्धनों के लिए ये कम से कम है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अतिथि वर। ए बंधु वर, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी नकारात्मक बातें अपने मस्तिष्क से निकालिए और अपना पूरा ध्यान इस प्रदर्शन पर केंद्रित कीजिए। ऐसा शुभ अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो जीता वही सबसे बड़ा धनवान है। आप सही कह रहे हैं सलाहकार महोदय, आज हम गाएंगे, अवश्य गाएंगे, और ऐसा गाएंगे कि संपूर्ण विश्व देखेगा। आज हम अपने सारे नर्तन भाइयों की आवाज बनेंगे। ये हुई ना बात, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, शुरू हो जाए। धन्यवाद। मैं हूं निर्धन, गीत है मेरा निर्धन, संगीत है मेरा निर्धन, आवाज है मेरी निर्धन, साज है मेरी निर्धन, आना मेरा निर्धन, जाना मेरा निर्धन, धन 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 धन, मैं हूं निर्धन, काया मेरी निर्धन, परकाया मेरी निर्धन, शाम है मेरी निर्धन, सुबह है मेरी निर्धन, मेरा आना निर्धन, मेरा जाना निर्धन, मेरा तन है निर्धन, मेरा मन भी निर्धन, मेरा धन भी निर्धन, धन 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 धन, मैं हूं निर्धन। षड्यंत्र है ये, धनवानों का षड्यंत्र है ये। अवश्य एक दिन जीतेंगे हम, सब धनवानों का षड्यंत्र है। जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा। अब प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव पर प्रस्तुत है सुर स्वामिनी रूपा देवी। महाराज, अपनी सुर साधना आरंभ करने से पूर्व हमारी महाबली सम्राट से एक छोटी सी विनती है। निसंकोच कहिए रूपा देवी जी, क्या बात? हम चाहते हैं अपने गायन प्रदर्शन आरंभ करने से पूर्व यहाँ का संपूर्ण प्रकाश कुछ समय के लिए मध्यम कर दिया जाए। क्षमा करें रूपा देवी जी, यदि आपत्ति ना हो तो कारण जान सकता हूँ? माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए और अपनी संपूर्ण संगीत श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं आशा करती हूँ कि मेरे सुरों से ये ब्रह्म कमल खिल उठेगा, और जब ऐसा हो तब केवल और केवल चंद्रमणि का अलौकिक प्रकाश ही प्रकाशित हो। किंतु महाराज, ये हीरा तो अद्भुत सुझाव है रूपा देवी, हमें आपका यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार है। धन्यवाद मंत्री महोदय। महाराज, जैसा रूपा देवी चाहती है वैसा ही हो। जी महाराज।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.